कोई भी अन्ना भाई दुनिया के किसी भी हिस्से चो जायदाद सुरक्षा करनी सरकार की ड्यूटियां अं करा मान साहब की सरकार करूंगी। दुनिया भर के किसी कोने चो कोई अन्ना भाई पंजाब उन्हों का पिछले 30-35 साल जे अज पंजाब जिथे खड़ा ये लीडर जो मर्जी कही जाए पंजाब जिथे खड़ा उस एन आर आई की बहुत वड्डी भूमिका एन आर आई का बहुत वड्डा योगदान है। इस करके किसी भी एन आर आई कोई आंच नहीं आ देंगे भावे जो मर्जी ना खड़े। दूजी गल असी वाले ये भी कभी बर्दाश्त नहीं करा कि ठेकेदार के कोई करिंदे कि जाके गुंडागर्दी कर बार बार पिंडा जाके जा कि भी कोई लोगों नजायज तंग कर यह चीज भी पंजाब बर्दाश्त नहीं। उस दिन जो होया गलत होया बिल्कुल गलत उस दिन जी घटना हुई बहुत माड़ी घटना हुई निंदन योग घटना हुई। बंदा मतलब परदेसा होगा अपने बच्चों की शादी लिए होंगे तो जे इतने आके कोई गड़बड़ हो जाती है तो परिवार भी परेशान होता उन्होंने रिश्तेदार भैन भरा सारे परेशान होंगे। सो मैं मतलब अपने मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी परिवार को मिले भैन जी को मिले भरा जी को इन्हों यही विश्वास कि हुण तक जिनी साड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है वो 12 बंदे जो फड़े बाकी बंदे भी फड़ लेने तुसी सारे मीडिया के बड़े स्याणे हो जिस दिन घटना वापरी उधर एक होर बहुत वड्डी घटना सी जिदे करके सारे फोर्स का ध्यान उधर सीगा पर हुण साडा सारा ध्यान इधर है। असी कोई भी बंदा इस चीज़ के जिहड़ा दबाउंदा हर बंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे सलाखा ने पिछे भेजा और इन्हों विश्वास दवाया कि पंजाब ताड़ा तुसी कदी भी नहीं सोचना कि दोबारा नहीं होना तुसी बार बार आना जो भी होना। असी तो रोज कहने कि मान साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने मैं उन्होंने नाल एन आर आई डिपार्टमेंट का मेरे को महकमा रोज ही मेरे को चंडीगढ़ अमेरिका तो कनेडा तो इंग्लैंड तो एन आर आई भरा मिल जाते हैं उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम होंगे रोज उन्होंने गल कर यही मैं इन्होंने विश्वास दवा आया सर और ये भी इस गलते खुश ने कि पुलिस ने जिनी हूं तक कार्रवाई की है कि तसली बख्श है और ये कहते कि इस गल की सानू बड़ी खुशी है कि सरकार ये कह रही है कि असं अच्छे कोई दखलदारी नहीं करा और जो साडे अफसर जेडे इंसाफ जरा कर जो सही जो भी जिदा भी परिवार पहली गल के परिवार का एन आर आई कोई नहीं केस नहीं रिश्तेदार जेडे जिन्हां लोगों ने घटना को अंजाम दिता जे कि पहलियां सरकारां इन्हां नूं कितें सजा दे देंदियां अज इन्हां नूं इह नहीं विखरे। मैं समझदा कि असीं हुण मतलब इन्हां बंदियां नूं इदां दी मतलब सजा देनी चाहुंदे आ अगे तो किसी को इदां दी प्रॉब्लम बिलकुल गलत है। दूजी गल के जेड़े ठेकेदारां दे करिंदे जाके चैकिंग करदे ये बिलकुल ही गलत है बिलकुल गलत है। जे उन्होंने चैकिंग कर दी उत्थे एक्साइज इंस्पेक्टर नाल होना चाहिए डिप्टी नाल होना चाहिए एस पी नाल होना चाहिए लोकल पुलिस नाल होनी चाहिए है जेड़े जेड़े एरिए च जांदे आ उत्थे लोकल पुलिस आवे असीं उन्हां दी ये नहीं कि उन्होंने ठेके ले आ असीं उन्हां दे भी नहीं चाहुंदे कि उन्हां नूं कोई घाटा पवे पर जेड़ा कानून है उस जिदा मर्जी वड्डा ठेकेदार होवे छोटा होवे कानून फॉलो करना पूगा। एक बंदा बिल दे के एक बंदा पैसे दे के बिल कटा के कुछ भी चीज ले रहा पर उदे वास्ते भी उस तो बाद इलाका देखना पड़ेगा नहीं नहीं ये बिल्कुल ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया ना
घटना वापरती है ना उदो ठीक बेचारे का रोज ठीक पर सेम टाइम ते एक बहुत वड्डा इशू सीगा अमृतसर लई पंजाब लई बहुत वड्डा पंजाब लई चिंता दा विषय सीगा सारी फोर्स दा उधर ध्यान सीगा बट जो भी उधर फ्री हुई है पुलिस सारी इधर लग गई परिवार ने भी दो दिन बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हां भी समझदा सीगा कि इंसिडेंट वड्डा आया वड्डा होया जेडी बेसिक सवाल ये है कि ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਕਰਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 200% ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਸ ਬੜੇ ਡਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰਹਿ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂਗੀ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਸੱਲੀ ਆ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ